हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने व्हाट्सएप फेसबुक मोबाइल पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज महानगर के इंपीरियल चौराहे पर जाम लगाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हिंदुओं ने राम मंदिर बनवाने के लिए मोदी जी को बहुमत दिया था, लेकिन वह राम मंदिर न बनवाकर मस्जिद बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के ज्यादा हितैषी हो रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता की मांग थी कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण कराया जाए और प्रधानमंत्री द्वारा मुसलमानों की हमदर्दी को बंद किया जाए। आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुरादाबाद इंपीरियल चौराहे पर नेशनल हाईवे को जाम करके राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करा, महाआरती करी। कार्यकर्ताओं का कहना है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भाजपा की सरकार मोदी सरकार है। जिस दिन से मोदी सरकार आई है दोबारा लौट कर, तब से ऐसा देखने में आया है मुसलमानों के तेवर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। कहीं सड़कों पर बैठकर नमाज होती है तो मोदी जी उन मुसलमानों को खुले रूप से 5 करोड़ मुस्लिम छात्राओं को छात्रवृत्ति बांट रहे हैं। 51,000 रुपए कन्याओं की विद्या के लिए, कन्याओं के विवाह के लिए दे रहे हैं। कहीं देखने में आया हजार खुलवाए जा रहे हैं। अरे आपको हिंदुओं ने वोट दिया था हिंदू हित के काम करने के लिए, ये सड़कों पर नमाज कराने के लिए या हज हाउस खोलने के लिए नहीं। हिंदू समाज ने आपको वोट दिया था हिंदू हित का काम करने के लिए, तो आपको सिर्फ हिंदू हित का काम करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो हिंदू समाज सड़कों पर आपका विरोध निरंतर करता रहेगा। आज हनुमान चालीसा हुई है, कल को पुतले फूकेंगे या और कार्यक्रम होंगे। जैसे मालदीप के लिए तो पैसा भेज रहे हैं मस्जिद बनाने के लिए, पर अयोध्या के अंदर जो हमारे प्रभु श्री राम है वो आज भी टाट में है, वो आज भी कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अरे आपने ये कहा था कि जिस दिन हम पूर्ण बहुमत में आएंगे हम अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बनाएंगे, अब काहे की देरी है। आपको हिंदू समाज ने आपको पुनः सत्ता में बैठाला है, अब राम मंदिर का निर्माण शीघ्र होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने व्हाट्सएप फेसबुक मोबाइल पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।